Hey guys, you're watching Trekkie Speaks. मैं हूँ आयुष एंड दिस इज द वीडियो फॉर अनदर कस्टम रोम. ये एक और कस्टम रोम के लिए वीडियो है. पहले तो मैं डाउनलोड प्रोसेस बता दूं, तो विद द डाउनलोड प्रोसेस पहले तो मैं होम पेज पे आ जाता हूँ इसके, या फिर आप सीधे सर्च कर लीजिए संतारा रोम. नुसांतरा प्रोजेक्ट. रिसेंटली मुझे न्यूज मिली है दैट इट इज नाउ अवेलेबल इन एंड्रॉइड 13 बिल्ड फॉर वायु. एंड इफ आई गो टू एंड्रॉइड 13 ओवर हियर, एंड्रॉइड इनिशियल एंड्रॉइड 13 बिल्ड, मतलब यू गाइस डोंट नीड टू रिगार्ड इट एज द फाइनल वन. आपको इसे फाइनल वन समझने की जरूरत नहीं है. मैं डाउनलोड पर जाऊंगा, आई विल क्लिक ऑन डाउनलोड एंड इट हैव रीडायरेक्टेड मी टू दिस प्लिंक्स वेबसाइट. एंड इफ आई क्लिक ऑन डाउनलोड, और आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट नन ऑफ दीज थिंग्स हैव, ओके दीज आर द ओल्डर वर्जन्स. लेट मी जस्ट टेल यू कि यहाँ पर एंड्रॉइड 12L के ऊपर का पैकेज नहीं है. Even though it is showing the download of Android 13, लेकिन यहाँ पर पैकेज अवेलेबल नहीं है. ओके एक्चुअली द वीडियो नाउ इज फॉर फ्लैशिंग द एवोल्यूशन एक्स, एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिसेंटली फ्लैश्ड दिस. और ये एक Android 12 बिल्ड है, मैं Android 12 के साथ नहीं रुकना चाहता था. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज एवोल्यूशन एक्स ऑलरेडी Android 13 में अपडेट की जा चुकी है. मुझे OTA अपडेट आया था, तो नाउ लेट मी जस्ट वुड टू द रिकवरी. एंड रिमेंबर, इससे पहले आप अपनी बैटरी परसेंटेज वगैरह चेक कर लें. आई मीन इतनी बैटरी तो होनी चाहिए कि ड्यूरिंग द फ्लैशिंग प्रोसेस आपका डिवाइस स्विच ऑफ ना हो. तो नाउ लेट मी जस्ट रीस्टार्ट माय डिवाइस. अब लाइनें जो है फ्लैश कैसे करते हैं ये आपको जानना है, तो यू कैन जस्ट चेक इन माई चैनल. Just hold volume up and power button to boot to the recovery and leave the power button as you see the POCO logo. Okay, I am in the recovery. Let's go to wipe and advanced wipe. Remember, wipe successful नहीं होने वाला है, लेकिन ये एक formality है तो आपको करनी पड़ेगी ही. See that the process have failed. बस आपको करना क्या है, just go to install, select the storage. अब बात हो रही है एवोल्यूशन एक्स की, तो नाउ लेट मी चूज द एवोल्यूशन एक्स एज रोम. रिसेंटली मैं वीडियो बनाऊंगा, कई लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा है दैट हाउ दे आर गोइंग टू मूव देयर डिवाइस टू द स्टेबल बिल्ड ऑफ पिक्सल एक्सपीरियंस. मैंने पिक्सल एक्सपीरियंस बीटा का वीडियो बनाया था, एंड दे वर वंडरिंग कि जब पिक्सल एक्सपीरियंस स्टेबल आ जाएगा तो फिर वो उस पर कैसे मूव करेंगे. आप इस तरह भी फ्लैश कर सकते हैं, आप OTA अपडेट भी कर सकते हैं. And soon I will just make you confirm with a video as well. So now let me just swipe to flash. And this is the Android 13 build. Jaldi Android 13 ke bhi bahut achhe build aayenge with Pixel experience as well. Abhi to filhal wo beta stage pe hai. And remember, in case your USB port is somewhat loose, agar aapka USB port thoda bahut loose hai, तो प्लीज़ आपको जो USB OTG है उसे हिलाना नहीं है, एकदम स्टेबल सरफेस में रख कर ये सब काम करने हैं. बिकॉज इन केस दिस फ्लैशिंग प्रोसेस गेट्स कैंसल्ड ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, आपका फ़ोन स्विच ऑफ होता है या कोई भी रीज़न है किसी भी कारण से, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. मे बी डिवाइस को EDL मोड में भी फ्लैश करना पड़े. और मैं बता दूं, Xiaomi डिवाइसेस को EDL मोड में फ्लैश करना, यू गॉट टू पे टू दोज पीपल जिनके पास मी ऑथराइज्ड अकाउंट है. मी ऑथराइज्ड अकाउंट के द्वारा ही Xiaomi फोन्स को फ्लैश किया जा सकता है इन द EDL मोड. तो मैं बता दूं, जिनके पास ये अकाउंट है उन्हें पे करना पड़ता है फॉर मेकिंग देम फ्लैश योर डिवाइस इन द EDL मोड. और फॉर द डोंगल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो सब तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज ईच ऑफ दोज थिंग्स आर अनऑफिशियल और कई बार उससे प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कई बार डिवाइस रिकवर भी नहीं हो पाता है, इतनी ख़राब सिचुएशन आ जाती है.
So I feel the flashing process have got completed. Okay, it is going. It is flashing the external image. Okay, the process is complete. Now just go to white. Okay, Evolution X logo is over here. First boot थोड़ा time लेने वाला है, तो आपको patience रखना पड़ेगा. अब आप जानना चाहते हैं कि मैं external media से क्यों करता हूँ, memory card क्यों नहीं use करता हूँ, तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है. एंड फॉर दोज हु वांट टू नो कि मैं मेमोरी कार्ड क्यों नहीं यूज़ करता हूँ, तो मेमोरी कार्ड के लिए मैं बता दूँ दैट करेंटली आई डू नॉट हैव एनी मेमोरी कार्ड. तो सब कुछ रिस्टोर करके भी दिखा देते हैं. ओके, इट इज़ सर्चिंग फॉर द वाईफाई नेटवर्क. आपको नेटवर्क से तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा. ओके, इट हैव गॉट कनेक्टेड एंड गेटिंग योर फोन रेडी. तो इट इज़ आस्किंग मी कॉपी एप्स एंड डेटा. तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा. अगर आपको नहीं कॉपी करना है तो जस्ट टैप ऑन स्किप. ओके, इट इज सेइंग डोंट कॉपी. तो इस ऑप्शन पे आप टैप कर दीजिए, लेकिन मुझे कॉपी करना है. और यहाँ पे आप कर दीजिए कांट यूज़ ओल्ड डिवाइस. अभी यहाँ पे लॉगिन मांगेगा. आई विल लॉग इन विथ माई गूगल अकाउंट जिससे बैकअप लिया था. आपको उसी अकाउंट से लॉग इन करना है. टाइप इन माई पासवर्ड. ओके, तो इट इज़ सेइंग कीप योर अकाउंट अपडेटेड विद दिस नंबर. यस आई एम इन, आई एग्री, एड दिस अकाउंट टू दिस डिवाइस. ओके, तो ये 36 मिनट्स पहले का बैकअप दिखा रहा है. तो लेट मी चूज दिस वन द टॉप मोस्ट. कंफर्म योर स्क्रीन लॉक. और आपको वही स्क्रीन लॉक डालना है जो पहले लगा था. आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है आपको क्या क्या रिस्टोर करना है. ऐप्स, कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस, डिवाइस सेटिंग्स. सेटिंग्स में क्या क्या होगा, जो जो प्रेफरेंसेस आपके थे. वेदर मैंने जो गूगल कीबोर्ड का मैंने वीडियो बनाया था द प्रेफरेंसेस, जहाँ पर आपको एक नंबर रो और होल्ड फॉर द सिंबल्स वगैरह सब ऐड करना था, तो वो सारी सेटिंग्स रिस्टोर हो जाएंगी. कॉल हिस्ट्री रिस्टोर हो जाएगी. जस्ट टैप ऑन रिस्टोर. It is saying 21 updates pending and 41 installs in progress. तो ये वही installs हैं जो apps हम लोगों ने restore की थी. तो धीरे धीरे सब restore हो जाएगा. And that's all for this video. Okay, तो video तो record हो गया है, but I feel that there are few things that are left to be addressed. मैं यहाँ पर बता दूँ, कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर वाईफाई वॉइस और वाईफाई का आइकन देखने को मिल रहा था. ओके, द स्क्रीन कॉपिंग इज नॉट एक्टिव ओवर हियर. सो नाउ लेट मी जस्ट गो टू SCRCPY विंडो. मैंने वायरलेसली ADBO कनेक्ट किया है. एंड फॉर द वीडियोस ऑफ द सेम आपको चैनल में मिल जाएंगे. जस्ट गो टू प्लेटफॉर्म टूल्स देन CMD. And let me just confirm the same if I just say ADB devices. And you can see the IP of my device. तो मेरा device wirelessly connected है और मैं screen copy को execute करने वाला हूँ SCRCPY. तो now let me just execute this SCRCPY-noconsole.vbs. And here you can see the screen of my device. Now let me just confirm the IP of my device. So क्या आपने वहां पर देखा था. And here you can see gateway के ऊपर the IP address. Over here. Here you can see this is the gateway and this is the IP address. Okay, the wirelessly screen mirror हो गई है. And at this point यहाँ पर पहले मुझे वॉइस ओवर वाईफाई का आइकन दिख रहा था, तो यस दे हैव एडेड द वॉइस ओवर वाईफाई ऑप्शन विद दिस एज वेल. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं द कॉल ओवर वाईफाई ऑप्शन, इट इज अवेलेबल हियर. पिछले बिल्ड में अवेलेबल नहीं था. एंड यहाँ पर आइकन भी आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. आई एम टैपिंग ऑन इट मल्टीपल टाइम्स. नाउ लेट मी जस्ट टेल यू वेदर व्हाट आर द अदर चेंजेस.
यहाँ पे आप गेम स्पेस देख सकते हैं, मैंने जो पिछला बिल्ड आपको दिखाया था उसमें गेम स्पेस और फेस अनलॉक वगैरह जैसी चीजें एडेड नहीं थी। एंड यहाँ पर गेम स्पेस का जो सपोर्ट है वो ऐड कर दिया गया है विद दिस अपडेट। एंड फॉर ऑल द थिंग्स आप यहाँ पर एक एक चीज को वेरीफाई कर सकते हैं विद द फ्लैशिंग प्रोसेस, वो मैंने दिखा दिया है फ्लैशिंग प्रोसेस बहुत सारे रूम्स का दिखाया, तो आई डिडंट फील कि एक एक चीज करके बताने की जरूरत है। आई मीन यू जस्ट गॉट टू वाइप एवरीथिंग आफ्टर बूटिंग टू द रिकवरी, उससे पहले आपको बैकअप तो लेना ही लेना है। एंड आफ्टर बैकिंग अप जस्ट वाइप एवरीथिंग एंड फ्लैश द रोम पैकेज और उसके बाद फॉर्मेट डेटा एंड रिबूट, बस इतना सा ही काम है। एंड हियर यू कैन सी द लिस्ट ऑफ ईच ऑफ दोज थिंग्स, ईच ऑफ दोज चेंजेस दैट हैव बीन एडेड विद दिस। ओके आई फील दिस मच शुड बी इनफ इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड वेदर वॉट आर द थिंग्स दैट हैव बीन एडेड विद दिस बिल्ड। तो इसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी मैं चेक करके बता देता हूँ। एंड रिसेंटली रिसर्च करते हुए मुझे एक बहुत अच्छी चीज मिली है दैट दे सपोर्ट, दे हैव एडेड द सपोर्ट ऑफ ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग। के ओके दीज आर द बेंचमार्क्स। ओके दिस इज द सुपर लो एंटीट्यूड स्कोर अचीव्ड बाय दिस, और इसमें क्या चेंजेस हैं, वीडियोस आते रहेंगे। एंड सून आई एम गोइंग टू मेक द वीडियो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड्स। माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड्स का मैंने पहले वीडियो बनाया था तो मुझे काफी रिस्पॉन्सेज आए थे दैट पीपल आर नॉट एबल टू गेट, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ दे आर गोइंग टू जस्ट क्लेम द रिवॉर्ड्स और ऑल। तो आज मेरे 400 पॉइंट्स पूरे होने वाले हैं, तो आई फेल्ट दैट रिकॉर्डिंग द सेम।